हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई वो आपकी रेलवे की तरफ से आपकी अप्रेंटिस वेरियस ट्रेड पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या मांगी गई है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है, तो आपकी वैकेंसी 3115 यानी 3115 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट नेम यानी किन किन पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो आपकी वैकेंसी अप्रेंटिस वेरियस यानी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट यानी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो आपकी आवेदन प्रक्रिया जो है यानी आपके फॉर्म ऑलरेडी भरना शुरू हो चुके हैं 30 सितंबर 2022 से, और 29 अक्टूबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपके जो लास्ट डेट है वो है 29 अक्टूबर 2022। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ पर एससी और एसटी एंड पीएच यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट है एंड ऑल कैटेगरी जैसे फीमेल वगैरह, इनकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी इन सभी के जो फॉर्म है वो एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो आपके एज जो है काउंट की जाएगी वो आपकी 29 अक्टूबर 2022 से आपकी एज कैलकुलेट होगी, जिसमें आपकी जनरल वालों के लिए मिनिमम 15 से मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए। एज बिल में रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन अगर जो आपने 10th पास कर लिया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, यानी इसके माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है वो मेरिट के माध्यम से होगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 18,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड इसमें आपका क्या है, तो अप्लाई मोड जो आपका है ये ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन जो आपकी है ये है ऑल ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी या किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।